بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

सहाबा में फर्क मरातब इस मौजू के ऊपर आज भी हमारी इस नशिस्त का मौजू है सहबा में फ़र्क मरातब इसलिए हम अपनी बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया था पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि खलफा राशिदीन के बाद आश्र मुबरा में से जो बकिया छः लोग हैं उनका रुतबा और मरतबा है और आश्र मुबर के बाद बदरी सहब के जो गजो बद्र में शरीक हुए थे अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने इस्लाम और कुफर की ये लड़ाई लड़ी थी उन लोगों का रुतबा और मकाम है और मैंने आपको सुनाया था कि बदरी साहब कराम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ने बख्शिश और मफ़रत का मुज़दा सुनाया है उन्हें बेशारत दी है कि वह जन्नती हैं चुनाच बुखारी किताबुलमगाजी में हज़रत आली से मरवी है कि आपने फरमाया इक्लाहल बदरिन फ़काल एलुमा शे तुम फ़कत गफ़र तोल केबलमी ला ने आसमान पर से बद्र वालों को देखा और फरमाया बदरी साहब कराम ए मुमा शे तुम जो चाहो अब तुम करो फ़कत गफ़र तोल मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया माफ कर दिया है कितनी बड़ी बशारत है इस दुनिया के अंदर बदरी साहब कराम के लिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम और कुफर हक और बातिल के सबसे पहले मारका को सर किया था और उन्होंने जान की बाजी लगाई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था आइए मैं आपको एक बदरी साहबी का वाक़ सुनाऊं कि किस कदर अल्लाह के रसूल की दिफी बशारत ये सादक आई कि अल्लाह रब्आलमिन ने बदरी लोगों को माफ कर दिया है उनके गुनाह बख्श दिए हैं एक सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रदी अल्लाह तुम ये गजो बद्र में शरीक थे इन्हें बदरी सहाबी होने का शर्फ हासिल है लेकिन गजए बद्र में शरीक होने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि फतेह मक्का के मौके पर इनसे एक बड़ी गलती हुई वो गलती क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सन आठ हिजरी में मक्का फ़तह करने का इरादा किया और आपने अपने सहाब कराम को तैयारी का हुक्म दे दिया और आपने इस खबर को पोशीदा रखा खुफिया रखा किसी को बताया नहीं मक्के वालों को इसकी खबर नहीं थी कि रसूल और उनके सहाबा हमारे ऊपर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसी दौरान हातिब बिन नबी बल्ता जो मदीना में थे अल्लाह के रसूल के चहेते सहाबी थे उन्होंने एक खत लिखा उनके जहन में आया कि लाइए मैं मक्का वालों पर एक एहसान करता हूं क्योंकि मेरे रिश्तेदार मेरे कुंबे कबीले मेरी प्रॉपर्टी और जायदाद मक्का में है ऐसा ना हो मक्का वाले मेरे खानदान वालों को सताएं इसलिए मैं उनके साथ एक एहसान करता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुफिया इरादे की खबर उनको दे देता हूं चुनाचे उन्होंने एक खत लिखा एक लेटर लिखा और एक लेडी को एक खातून को दे दिया कि इसे ले जाकर मक्का पहुंचा दो कि नबी सुम पर चढ़ाई का इरादा कर रहे हैं तुम पर चढ़ाई करने वाले हैं सुनाचे वो खातून ये खत लेकर रवाना हो गई किसका लिखा हुआ खत हजरत हातिब बिन नबी का जो एक बदरी साहबी बड़े राज को फाश कर रहे थे कितने बड़े गलती के उम्र तक हो रहे थे लेकिन हुआ ऐसा कि अल्लाहबमीन ने हजरत जबरील को भेज कर नबी सल्हलम को खबर कर दी और बता दिया कि देखिए हातिब बिन नबी बल्ता ने खत लिखा है और फला खातून के हाथ से भेजा है और खातून रास्ते में फला मकाम पर पहुंच चुकी है इसलिए जितना जल्दी हो सके वहां जाओ और उसका तवकुब करते हुए खत हासिल करो वरना मक्का वालों को आपके इस इरादे की खबर हो जाएगी खबर करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तेज घोड़ सवार साहब के राम में से हजरत रजी आल रज्लों को और हजरत मकदाद बिन असवद रजी अल्लाह रजल्लान को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ तेजी से दौड़ाते हुए घोड़ों को जाओ और फलां मकाम पर एक खातून पहुंच चुकी है वहां जाकर उससे खत हासिल करो और लेकर के आओ चुनाच हजरत अली बिन अबी तालिब नबी ताल तह और हजरत मकबाद बिन असवद ये लोग घोड़ा दौड़ाते हुए शह सवारी करते हुए जाते हैं और यकीनन उस खातून को उस मकाम पर पा लेते हैं जहां अल्लाह के रसूल ने बताया था अभी वो मक्के के सफर पर थी मक्का नहीं पहुंची थी हजरत अली कहते हैं खातून तेरे पास एक खत है जो हजरत हातिब बिन अबी बल्टा ने लिखकर तुझे दिया है वो खत हमें चाहिए लेकिन वो खातून आना कहानी करती है हजरत अली बिन अबी तालिब सख्त लहजे में कहते हैं कि अगर आपने मुझे खत नहीं दिया तो हम आपकी तलाशी ले सकते हैं और खत निकाल सकते हैं चुनाच हजरत अली की रोबदार आवाज़ को सुनकर खातून ने उस खत को जो उसने अपने जूड़े में छुपा रखा था अपने बालों का जूड़ा बनाकर उसमें बांधा हुआ था उस खत को निकाल कर हजरत अली को दे देती हज़रत अली और हज़रत मकदाद वापस होते हुए वो ख़त लेकर अल्लाह के रसूल के पास पहुँचते हैं ख़त मिलने के बाद अल्लाह के रसूल हजरत हाथी बिन अबी बलता को बुलाते हैं वहीं पर हज़रत उमर फ़ारूक अन्हु मौजूद कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए मैं इनकी गर्दन उड़ा दूँ ये तो मुनाफिक है ये मुनाफिक इंसान है लाइए मैं इसकी गर्दन मा देता हूँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि जल्दबाजी मत करो उमर आपको नहीं पता हातिब बदरी साहबी हैं और बदरी साहबा के बारे में अल्लाह ने बशारत दी है जो मैंने उन्हें सुनाया है अल्लाह ने आसमानों पर से देख कर बदरी साहबा के बारे में कहा है ए मूमाशी तुम फ़कत गफ़र तो लकुम जो चाहो करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया हातिब को कत्ल कैसे करोगे फिर अल्लाह के रसूल हातिब बिन नबी बल्ता की तरफ मतवज हुए और पूछने लगे हातिब बताओ क्या माजरा है आपने ऐसा क्यों किया ये इकदाम करने की ज़रूरत आपने कैसे की हमारे राज को फाश करने जा रहे थे आप बिन अभी बल्ता ने सच सच बता दिया कहा अल्लाह के के रसूल इसके अलावा मेरी और कोई नीयत नहीं थी कि चूंकि मेरे घराने के लोग मक्के में आबाद हैं मेरी फैमिली वहां पर है मेरी प्रॉपर्टी और जायदाद वहां पर है मुझे डर हुआ कि कहीं मक्का के लोग उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं मेरे घर वालों को मेरे खानदान को परेशान ना करें मैंने सोचा कि यह खत लिखकर मैं उन्हें भेज दूं इस तरह से वो मेरा एहसान मानेंगे कि हातिब ने मुझे खबरदार किया और मेरा एहसान मानते हुए हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी की मेरे जायदाद पर नाजायज कब्जा ना करें मेरे घरवालों को सताने से बास रहें बस इसी इरादे से मैंने खत भेजा था अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल को चूंकि जिब्रील ने बता दिया था नबी साद मसदूक सल्ला वसम ने कहा सद का हातिबू हातिब ने सच सच बयान किया है जो कुछ नीयत थी उसे उन्होंने अपने जबान से अदा कर दी हातिब सच्चे हैं जाओ तुम्हें माफ किया जाता है नाजरीन ने क्राम आपने देखा इतनी बड़ी गलती राज को फाश करना प्राइवेसी को आउट करना कितनी बड़ी गलती है लेकिन इसके बावजूद वो बदरी साहबी थे जिनके बारे में नबी वसलम ने अल्लाह की तरफ से ये हुक्म सुना दिया था एमलुमाशी तुम लकुम क्या बदरी साहबी हो जाओ जो भी तुम करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलतकारियां करेंगे अब वो गुनाह कबीरा के मर्तकब होंगे क्योंकि अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनाई थी इसका मतलब यह है कि उनके फ्यूचर के बारे में भी जानता है कि जिस तरह गजो बद्र के मौके पर इन्होंने जान सारी का सबूत दिया है इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है जान की बाजी लगा दी है इसी तरह ये फ्यूचर में भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अल्लाह की रजामंदी के खिलाफ हो लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो उन्हें माफ़ी दी जा सकती है सुना चेहति बबी बलता की इस गलती को अल्लाह के रसूल ने माफ़ कर दिया ये है बदरी सहाबी और उनकी फजीलत बदरी सहाबे के राम के बाद मकाम और रुतबा के अतबार से नंबर आता है अहले बयात रिजवान का उन सहब के राम का जिन्होंने सुल के मौका पर नबी सल्ला वम के हाथ पर बयात की थी किस चीज़ के लिए हज़रत उस्मान बिन आफ़ान के खून का बदला लेने के लिए बैत की थी वाक़ क्या है मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आप पूरी तरह अहले बयात रिजवान कौन हैं इससे वाकिफ़ हो जाए असल में हुआ यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन छः हिजरी में अपने साहब कराम के साथ मक् जाकर ख़ान काबा के तवाफ़ का इरादा किया उम्र करने का इरादा किया चुनाचे आप अपने साहब कराम के साथ जब हदबिया के मकाम पर पहुंचे तो कुफार मक्का ने आपको रोक दिया आपका रास्ता जाम कर दिया और कहा आगे नहीं बढ़ सकते हम आपको नहीं जाने देंगे चुनाचे उस दरमियान मुजात हुए सुलह मुसालहत की बातें हुई और फिर एक सुलहनामा लिखा गया लेकिन इन्हीं मुजाक के दौरान अल्लाह के रसूल सल्म ने अपना एक सफीर अपना एक कासिद अपना एक एम्बेसडर कुफार मक्का की तरफ भेजा कि जाओ उनसे बातें करो और वो कासिद, वो सफीसिडरतम वो की अफवाह फैल जाती है कि मुश्रकीन मक्का, और मक्का ने को कत्ल कर दिया यह खबर नबी के कानों तक पहुंचती है आपते हैं और कहते है कि अब हम उस वक्त तक वापस नहीं होंगे जब तक हजरतान के कत्ल का बदला नहीं ले लेते कौन है जो उनके खून का बदला लेने के लिए मेरे हाथों पर बयात करे चुनाचे तमाम साहब कर थे जिनकी तादाद बुखारी किताबुलमगाजी के मुताबिक चौदाह एक हजार चार सौ लोग थे सारे लोगों ने आपके हाथों पर बयात किया कि हम मदीना वापस नहीं जा सकते जब तक कि उस्मान के कत्ल का बदला न ले, ले लेकिन बयात लेने के बाद कुछ वक्त ही गुजरता है कि यह खबर गलत साबित हो जाती है उस्मान कत्ल नहीं किए गए थे वो जिंदा और सही सलामत वापस आ जाते हैं चुनाचे वो साहब कराम जिन्होंने सुलेबिया के मकाम पर दरख्त के नीचे नबीम के हाथों पर बयात किया था उन्हीं लोगों को कहा जाता है अहले बयात रिजवान यानी वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए नबी के हाथों पर बयात की थी इसलिए कि हजरत उस्मान के खून का बदला लें जो अफवाह फैल चुकी थी उसके मुताबिक यही अहल बयात रिजवान हैं जिनका जिक्र अल्लाह रबालमीन ने क़ुरान करीम में किया और फरमाया कि जब ये बयात कर रहे थे तो गोया अल्लाह से बयात कर रहे थे अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर था सुरफत सराह नंबर अड़तालीस और आयत नंबर दस में अल्लाह अरशाद फरमाता है नबी बेश आपके हाथ पर बैत कर रहे थे दर हकीकत वह से बैत कर रहे थे यदुल्लाफ़ी उनके हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ था इतना बड़ा मरतबा है पहले बयाते रिजवान का प्यारे नाजरीन बात होती रहेगी लेकिन वक्त होगा एक छोटे से वक्फे का इसलिए हम यहीं पर ठहरते हैं इन शुरू मुलाकात होगी वरम वक्त मोज्ज़ नाजरेन कराम इस नशिस्त में आपका फिर से इस्तबाल है अल्लाम आलकम वरम् मैं आपको बता रहा था कि बदरी साहब कराम के, के बाद अहल बयात रिजवान का दर्जा और मरतबा है प्यारे नाजरेन कराम ये हैं अहल बयात रिजवान और इस बयात को बयात रजवान क्यों कहा जाता है बयात के माने होते हैं किसी से बयात करना और रिजवान इसके माने होते हैं खुशनुदी चूंकि रबालमीन ने इन सहब कराम की इस बयात पर अपनी खुशी का एलान कुरान करीम में कर दिया और कहा कि मैं इन तमाम सहाब कराम से खुश हूँ इसका अब्बुलमी ने कुर करीम में किया जिसका जिक्र सुरफ़तुरा नंबर अड़तालीस और आयत नंबर अट्ठारह में अल्लाह फरमाता है लक़दी इद्यूबा का तहतरा कि् रबालमीन यक़ीनन उन तमाम कराम से खुश हो चुका है यकीनन हो चुका। पास जब वो लोग आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे चुनाच अपनी खुशी का ऐलान अल्लाहमीन ने अपनी किताब कुरानी मजीद में कर दिया और लोगों को बशारत सुना दी इसी वजह से उन तमाम सहाबा को जिन्होंने दरख्त के नीचे बयात की थी उनको अहले बयात रिजवान और इस बयात का नाम बयात रिजवान पड़ा यानी अल्लाह के खुशनुदी की बयात ये है वो सहाब कराम जिनका रुतबा और मकाम बदरी सहाब कराम के बाद है यही वो अहल बयात रिजवान है जिनको अल्लाह के रसूल ने जहन्नम की आज़ादी का मुझदा भी सुनाया है जैसा कि सही हदीस में वारिद है

खलफ़ा राशिदीन का दर्जा है खलफा राशिदीन के बाद आश्र मुबर में से छः सहाब राम का मकाम व मरतबा है और आश्र मुबर के बाद बदरी सहाब के राम का रुतबा और मकाम आता है बदरी सहाब के राम के बाद जिनका दर्जा और मकाम है वो अहल बत रिजवान हैं जिनकी बाबत अल्लाह रब्लमी ने कुर करीम में भी इरशाद फरमाया और इसी तरह हदीस रसूल में भी नबी सल्हुले वसलम ने अपनी ज़बान से उन्हें जहन्नम से आजादी का परवाना दिया और कहा जिन्होंने भी दरख्त के नीचे बयात किया था उनमें से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा यह अह जमात का अकीदा इसी तरह अहल जमात का अकीदा यह भी है कि जिन साहब कराम को अल्लाह के रसूल सल्हुसम ने नामजद तौर पर नाम ले लेकर जन्नत की बशारत दी है अहल सुनतम का इस बात पर यकीन है कि वह तमाम के तमाम साहब कराम जन्नती हैं अल सुनतुल जमात इस बात की शहादत देते हैं कि हमें इस बात पर कामिल यकीन है कि सारे के सारे लोग जन्नती हैं जिनके नामों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है चुनाचे आश्र मुबर के बारे में अल्लाह के रसूल ने एक ही हदीस में एक ही तरतीब के साथ एक ही बैठक में आपने बताया कि फ़लाँ और फलां साहब कराम जन्नती हैं पूरे दस साहब कराम आइए मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ जिसके रब हज़रत अब्दुलरमान बिन औफ़ आओ अल्ला हैं और जो हदीस इमाम अहमद ने अपनी किताब मुसरद अहमद जिल नंबर एक सफ़ा नंबर एक सौ सतासी पर सही सनत के साथ नक़ल किया है अब्दुलरहमान बिन औफ आओफ़ अल्लाह तन कहते हैं अल्लाह के रसूल ने एक बार फरमाया अल्लाह के रसूल ने दस सहाबे कराम का एक साथ नाम लिया और कहा बकर जन्नती हैं उमर जन्नती हैं उस्मान जन्नती हैं हज़रत अली जन्नती हैं हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ जन्नती हैं हज़रत सईद बिन जैद जन्नती हैं हज़रत सादबिन अबी वक्स जन्नती हैं हज़रतलह बिनैदुल्लाह जन्नती हैं हज़रत ज़ुबैर बिन आवाम जन्नती हैं हजरत अबू अबैद आम रुबनजर्राह जन्नती हैं इन दस सहाब कराम का अल्लाह के रसूल ने एक ही हदीस में एक ही सिक्वेंस में एक ही नस्कीब में उनके नाम लिए और कहा यह सब के सब जन्नती साहब कराम है तो हले सुनतमत का अकीदा है कि अल्लाह के, के रसूल ने जिन सहब कराम को नाम लेकर जन्नत की बशारत दी है हम इसकी गवाही देते हैं कि वह सब जन्नती हैं इसी तरह इन दस सहाबे कराम के अलावा भी कुछ और ऐसे सहाबे कराम हैं जिनको नामज़द तौर पर अल्लाह के रसूल ने अलग अलग मौाक़े पर जन्नत की बशारत दी है जैसे हज़रत बिलाल बिन रबा रजी अल्लाह तन होजरत अवकाशा बिन महसन रजी अल्लाज़रत सात बिन मआज रजी अल्लाह तन हो हज़रत बिन कैस रजी अल्लाह तैन होज़रत जाफर तैयार रजी अल्लाह तन हो और बहुत सारी दूसरी सहाबियात भी ऐसी हैं जिनको अल्लाह के रसूल वसल्लम ने अलग अलग मौके पर इंफरादी तौर से जन्नत की बशारत दी सुनाचे जब आप मेराज में गए और मेराज से वापस आए तो कहा ए बिलाल, तुम क्या काम करते हो तुम कौन सा ऐसा अच्छा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे खड़ाओं की आवाज़ तुम्हारे स्लीपर की आवाज़ मैंने अपने सामने आगे आगे सुनी हजरत बिलाल कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं क्या करता हूँ मैं वही कुछ करता हूँ जो आप करते हैं दूसरे साहब कर राम करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ रोज़े रखते हैं मैं भी रोज़े रखता हूँ तमाम वो काम जो अल्लाह रबालमीन की तरफ से हैं और आपने आयद किए बस वही करता हूँ कहा कोई ख़ास अमल तो हजरत बल ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल एक बात है कि जब भी मैं वजू करता हूँ तो दो रखात नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ यही तुम्हारा वो खास अमल है जिसकी वजह से ला रबालमी ने तुम्हें ये मकाम अता फरमाया कि मैंने मेराज के मौका पर जन्नत का सैर करते हुए तुम्हारे खड़ाओं की आवाज अपने आगे सुनी बिलाल जन्नती? इसी तरह एक दूसरे बिन महसन तबीम बैठे हुए उन सत्तर हजार लोगों का कर रहे थे जो बिलात में जाने वाले अवकाशा बिन महसन ने पूछा के रसूल वो कौन सत्तर हजार लोग हैं तो आपने फरमायादी कि वो लोग जब बीमार होते हैं तो अपने आप को दागते नहीं हैं दाग कर इलाज करना तेल को गर्म करके ज़ख्म पर लगाना इसी को दागना कहा जाता है तो वो लोग जो सत्तर हजार जन्नत में जाएंगे वो बीमारी के बावजूद अपने आप को दागेंगे नहीं वलै तो तयरून और वो ऐसे लोग होंगे जो शगुन नहीं लेते होंगे बदशगून ही नहीं करते होंगे जैसा कि दूसरे लोग करते हैं चिड़िया उड़ाते हैं अगर दाहिने तरफ चली जाती है तो अच्छा शगुन और बाएं तरफ उड़ के चली गई तो बुरा शगुन तो वो लोग बदशगुनी भी नहीं लेते हैं जो लोग जन्नत में बेला हिसाब किताब जाएंगे सत्तर हजार लोग वो आलाब भी में तवक्लून और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं हजरत अवकाशा ने कहा अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए मेरा नाम भी उन सत्तर हजार लोगों में हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरमायांतम आप भी उन्हीं में से हो एक दूसरे सहाबी ने जब ये बात सुनी तो आए अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह के रसूल मेरे बारे में भी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रबालमिन मुझे भी उन सत्तर हजार लोगों की फहरिस्त में शामिल कर ले जो बेला हिसाब जन्नत में जाने वाले हैं तब तो अल्लाह के रसूल ने कहा साकाशा कि अवकाशा तुम पर सबकत ले गए तो ये हजरत अवकाशा बिन महसन रद्ला तन थे जिनको भी जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर दी और कहां तमिन हूँ आप उन सत्तर हजार लोगों में से हो जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे इस तरह और दूसरे साहब कर राम भी हैं जो नामजद तौर पर अल्लाह के रसूल ने उन्हें कहा है कि वो जन्नती हैं अहले तो जमात इनके बारे में अकीदा रखते हैं कि ऐसे तमाम सहाबे के राम भी जन्नत में जाएंगे इसी तरह जमात का अकीदा ये भी है कि उम्मत के तमाम सुलह तमाम नेकोकार लोग तमाम अदकिया और मतकीन अगरचे की नामजद तौर पर अल्लाह के रसूल ने किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन अल्लाह की अमूमी शहादत जो है कि नए काम करने वाले ईमान लाने वाले तकवा तहारत अपनाने वाले वो जन्नत में जाएंगे तो ऐसे तमाम लोग भी जो उम्मत में नेकोकार लोग हैं जिन्हें सुलह और साल कहा जाता है जो मुतकी लोग हैं जिन्हें और मुतकीन कहा जाता है वो लोग भी इन शमाल की वजह से जन्नत में जाएंगे जैसा कि अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने कुरान करीम की सूर लकमान सूरत नंबर इक्कीस आयत नंबर आठ में इसका जिक्र किया है इन

और अपने रब के उस बख्शिश की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है जो तैयार की गई है किसके लिए मुत्तकीन अल्लाह का तकवा रखने वालों के लिए तो ये है ज़मात का अकीदा सहाबा में फर्क मरातिब के बारे में वक्त हो गया है इसलिए मैं इसी पर इतफा करता हूँ अल्लाह से दुआ करते हुए लालमीन हमारे अकीदे को पुख्ता फरमाए सहाब के राम के उसवा और तरीके पर अमल करते हुए हमें अपनी जिंदगी को बिताने की तोफी कतः फरमाए व अखरुदावाना अनिलहमद रबीन वालकम वरम वक्त